मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी बज रहा है सुबह के 8:30, तो अभी से मैं अपनी ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का जितना भी काम होता है सब ख़त्म करने के बाद अभी मैं आई हूँ थोड़ा सेल्फ केयर करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, आज सोचा है थोड़ा हेड मैसेज करूँगी, हॉट ऑयल मैसेज। और इसके लिए मैं मुझे चाहिए गरम तेल, और तेल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि के कोकोनट ऑयल, जो मुझे बहुत ही प्योर लगता है। एक्चुअली हेड मैसेज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम सबको पता है कि मैसेज के कारण हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन कितना अच्छा हो जाता है। और अगर ये चीज़ कोई और कर दे फिर तो बात ही कुछ और है, लेकिन इसके लिए हमको पार्लर जाना पड़ेगा। लेकिन हम पार्लर नहीं जाएंगे, जितना भी हेड मैसेज करने के जितने भी स्ट्रोक हमें पता है वो हम घर पर ही ट्राई करेंगे। कभी कभी मैं हेड मैसेज भी करती हूँ और फुट मैसेज भी करवाती हूँ, जिसके लिए जितना भी टेंशन और स्ट्रेस वगैरह है वो काफ़ी कम हो चुका है, ऐसा कुछ फील होता है। वैसे तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरे बाल काफ़ी पतला है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। बेबी होने के बाद से मेरा हेयर फॉल का एक इशू स्टार्ट हो गया, जिसके लिए मेरा बाल काफ़ी पतला हो चुका है। लेकिन इसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट मैंने करवाई थी, बहुत सारा डॉक्टर सर दवाई वगैरह खाए, लेकिन कुछ भी इतना असर नहीं हुआ। आप लोगों के पास अगर कोई भी रेमेडी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ऑयल ड्रिंक ख़त्म हो गया, तो उसके बाद अभी मैं खाना खाऊंगी, बहुत भूख लग रहा है, क्योंकि नहाने में अभी काफ़ी टाइम है कि आधा घंटे से पहले कि एक घंटे से पहले, तो ऑयलिंग करने के तुरंत बाद ही शैम्पू नहीं कर पाऊँगी, तो एक घंटा आधा घंटा तो अभी टाइम है, तो इसी टाइम के बीच मुझे बहुत भूख लग रहा है और मैं अभी खा लूँगी। अभी खाने में क्या है, और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज़। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ नूडल्स, और इसमें मैंने डाला है अंडा। नूडल्स और अंडा साथ में मैं पका रही हूँ, थोड़ा सा मैगी मसाला थोड़ा सा इसमें ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लिया। और ये बेबीज़ के लिए, जो टॉडलर्स है वो टॉडलर्स के वेट गेनिंग के लिए एक सुपर एक रेसिपी है, एक ये आप लोग जितने भी मम्मीज है आप लोग अपनी बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं ये रेसिपी। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहाने के ये क्या है, ये लड़की क्या उल्टा पुल्टा कर रही है कि नहाने के पहले खाना खा रही है, और वो भी चावल। तो मैं एक बात बता दूं आपसे कि कुछ दिन से मेरा पीरियड चल रहा था, और इसी की वजह से मेरा कुछ दिन से 5-6 दिन से मेरा पूजा वजह का अभी कुछ नहीं है। मैं रोज़ सुबह उठने के बाद सुमन चले जाते हैं, उसके बाद मैं पहले नहाती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, फिर जाके खाना वाना मेरा बेबी के लिए बेटी को खिलाना खुद खाना ये सब चलता रहता है। तो अभी तो कोई पूजा करने का टेंशन है नहीं, तो अभी मैं नहाने से पहले भी खा सकती हूँ और नहाने के बाद भी खा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसीलिए मेरा रूटीन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। और आज मैं खाने वाली हूँ चावल के साथ, यह पे है यम्मी यम्मी मटन, जो कल मैंने पकाए थे वो आज मैंने गर्म कर ली है वो माइक्रोवेव में, और यही मैं खाने वाली हूँ अभी, चावल गर्मा गर्म चावल उसके साथ मटन। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही लाइट फील हो रही है शैम्पू करने के बाद। वैसे तो मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, खाली बालों से बोलने से गलत होगा, मैं हमेशा अपना ध्यान रखना अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। घर और बेटी इन दोनों को संभालते संभालते जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिल जाता है ना, तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कभी बालों के लिए कुछ रेमिडीज यूज़ करती हूँ, ट्राई करती हूँ, तो कभी स्किन के लिए ट्राई करती रहती हूँ। और मेरे ख्याल से खुद का ख्याल रखना, खुद का अच्छा दिखना कोई गलत बात नहीं। हील एरिया का ना सच में मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है, कब क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी बस मेरी बेटी
अभी नहीं, कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले नीचे गई थी और आज धूप बहुत कड़ा आया है तो ये नीचे गई थी, खेल रही थी धूप में, बहुत देर तक खेल रही थी। खेलते खेलते उसको मतलब बहुत बदमाशी कर रही थी, मैं बहुत देर से बुला रही हूँ, ऊपर बुला रही हूँ लेकिन नहीं आ रही है, तो मैंने थोड़ा सा डांट दिया था इसको। उसके बाद अचानक ये रोने लगी और अचानक देख रही है इसका नाक से ना, ये नाक से ऐसे इसके नाक से खून आ रहा था, यहाँ से खून आ रहा था। अब मैंने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी पोंछ दी लेकिन यहाँ से पता नहीं खून आ रहा था। तो किसी ने कहा कि ज्यादा धूप में रहने के कारण ऐसा होता है बच्चों का कभी कभी, तो ऐसे तो हमने कभी कलकत्ता में नहीं देखा है कि बच्चे धूप में खेलते खेलते तो उनसे नाक से मामा देवे 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 तो मैंने कभी हमारी यहाँ पे तो नहीं देखा था कि बच्चे धूप में ज्यादा देर तक खेलने से उनके नाक से खून भी आ सकते हैं। तो पता नहीं सच में बहुत डर जाती हूँ, कभी कभार ये से बातें हो जाती है तो बहुत डर जाती हूँ, कैसे संभालूंगी क्या करूंगी अकेले अकेले। फिलहाल तो इतना ही, आज का वीडियो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करूंगी। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्लीज 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 गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि, और मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, चैनल को आगे ले जा पाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियोस मैं ला पाऊँ। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोग अगर चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्दी मिलूंगी आपसे नया एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं बोलूंगी अलविदा, लव यू ऑल।